स्वागत है आपका इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। बता दें दूसरे चरण में 38 जिलों में वोटिंग हो रही है। इंडिया न्यूज पर जारी है सबसे बड़ी कवरेज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके वोट करने की अपील की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा है लोकतंत्र के इस पर्व पर सभी सहभागी बने। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए प्रदेशवासियों से कहा है कि वो वोट जो है वो जरूर करें। दूसरे चरण के 38 जिलों में वोटिंग हो रही है और इंडिया न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम जिलों की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं आपको। आपको जानकारी दे दें निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जो है वो सुबह से ही चल रही है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए हाथरस में मतदान जारी है। आखिरी चरण के लिए 9 मंडल 38 जिलों में वोटिंग जारी है। इंडिया न्यूज संवाददाता ग्राउंड जीरो से उनकी रिपोर्ट देखिए। हाथरस नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज यहां हाथरस में शुरू हो चुका है। लोग यहां भारी संख्या में भारी मात्रा में उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में और वोटर सुबह से ही यहां लाइन लगा के खड़े हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लंबी लाइनें यहां लगी हुई हैं और लोग यहां सुबह से ही मतदान के लिए आए हैं। लोगों में पूरा जोश है, काफ़ी भीड़ है और अभी सुबह 7 बजे से यहाँ मतदान शुरू हो चुका है। लोग यहाँ मौजूद हैं, पुलिस व्यवस्था यहाँ मौजूद है, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ मौजूद है। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम मतदान बड़ी संख्या में लोग लाइन लगा करके खड़े हुए हैं और कुछ लोग यहाँ भी आगे मौजूद हैं जो लंबी लाइन लगा करके मौजूद है और जो सुबह से ही मतदान कर्मियों द्वारा अपनी तैयारियों को पूरा किया गया था और 7 बजे यहाँ मतदान शुरू हो चुका है। कुछ लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किन किन मुद्दों को लेकर के आज वोट करने आए हैं। मुद्दे तो रोज ही होते हैं सभी के सामने, फिर भी क्या आपने सोचा किसको वोट देना चाहिए? विकास के लिए तो हर कोई देना चाहता है, विकास चाहिए बस और क्या चाहिए। क्या नाम आपको, किस मुद्दे को लेकर वोट देना चाहते हैं? ये हमें सब सुविधा मिले, हमारे पड़ोस में नाली वाली की सफाई हो, कोई गंदगी ना फैले, हमारी देख रेख रहनी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा और महिला जो अन्य समस्या है उसको लेकर के वोट करना चाहते हैं। इंडिया न्यूज के लिए सुनील कुमार हाथ। निकाय चुनाव के आखिरी चरण के लिए ग्रेटर नोएडा में मतदान शुरू हो गया है। देखिए इंडिया न्यूज के संवाददाता की ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव का आज दूसरा चरण है। अभी हम ग्रेटर नोएडा के दादरी नगर पालिका में मौजूद है। मतदान की शुरुआत है वो सुबह 7 बजे से हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, प्रशासनिक अधिकारी तैनात किए गए, साथ ही जो वोटरों में उत्साह है वो देखा जा रहा। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, साथ ही आप पीछे दिखाएंगे तो लोग हैं वो आते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोगों से बातचीत करेंगे। वोट करने आए हो आप? हाँ जी। किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे? विकास के ऊपर। विकास को लेकर? हाँ जी। अच्छा, मूड बना लिया? क्या नाम भैया? हमारा नाम है बिमल गुप्ता। बिमल जी, किन मुद्दों को लेकर वोट किया? मुद्दे हमारे सर विकास के, हमारी सड़कें साफ हो, नाली के मुद्दे हैं, पानी जमा होता है गंदगी का उसका मुद्दा है और जो कैंडिडेट हमने उचित समझा है उसको ही मतदान किया है, क्योंकि हमारे मुद्दे हमारे यहाँ काफी जो है जल भराव की समस्या रहती है तो काफी समय से उसका कोई निस्करण नहीं हो रहा अभी तक, और जो है गली नाले भी हमारे गंदे बने रहते हैं तो उसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हमने जो है अपना मतदान किया। 1 लाख के आसपास शहरी वोट है और कहें तो 18 मतदान स्थल बनाए गए हैं। तैयारियां हैं वो यहां पर पूरी तरीके से की गई हैं, प्रशासन मुस्तैद है और सीसीटीवी से निगरानी है वो इस मतदान स्थल पर रखी जा रही है। रजत कुमार, इंडिया न्यूज, ग्रेटर नोएडा।